अभी यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है, उसी के बीच में हमारे प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दिग्गज नेता अशोक यादव जी सिरसागंज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या रोड मैप है, क्या उनका प्लेटफार्म है, क्या वो जनता के बीच में विकास के वादे लेके जा रहे हैं, उस पर विवाद टिप्पणी अपनी रखेंगे अशोक यादव जी। सर प्रचार आप कर रहे हैं, उसकी अभी क्या स्थिति चल रही है मंत्री जी? देखिए ऐसा है, एक तो मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ जी। उत्तर प्रदेश में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अमूमन 10, 12, 15 होने को तो होते हैं मैक्सिमम। ऐसी स्टेज में 10 कैंडिडेट्स जीत पाते हैं उत्तर प्रदेश जी। दूसरा यह है कि ये जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो बना है यूपी पॉलिटिक्स का, इसमें बीजेपी भी नोटबंदी के बाद बिल्कुल नसबंदी जैसी स्थिति में आ गई। बीजेपी को नोटबंदी के बाद इतना नुकसान हुआ है, न तो कोई किसानों को फायदा हुआ, न जो वैश्य वर्ग था उनको फायदा हुआ, और जीडीपी 2% नीचे आ गई, जो मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था। फिर लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी शायद 30 दिसंबर को कोई बड़ी बात करेंगे, उस वक्त भी कोई बात नहीं करी। फिर 2 जनवरी की जब रैली हुई लखनऊ की, उस वक्त लगता था कि कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन नहीं हुई। नोटबंदी के नुकसान तो बहुत दिखाई दिए, फायदा कोई नहीं दिखाई दिया, और वो उनके लिए बहुत जबरदस्त झटका था जी। दूसरा, उन्होंने एक बैकवर्ड लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, अब वो जिस इन कंडीशंस पे आए थे उनको महज एक टिकट दिया, ये भी एक झटका हुआ और बहुत खराब मैसेज गया जी। प्लस उन्होंने टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इतना खराब किया, एक ही कास्ट को एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4 सीट्स दे दी, जो मैं समझता हूँ किसके दबाव में किया वो तो उनका इंटरनल मैटर है जी। लेकिन बीजेपी को ओवरऑल बहुत उससे नुकसान हुआ। दूसरी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा जी। जब मुलायम सिंह ने अखिलेश को निकाला तो अखिलेश की पॉपुलैरिटी बढ़ी जी। लेकिन जब अखिलेश ने मुलायम सिंह को निकाला तो अखिलेश औरंगजेब बन गए जी। ये हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति में कहीं नहीं होता जी। और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की जनता इसे माफ नहीं करती जी। अलग एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक गलत संदेश गया कि बेटा बाप पर भरोसा नहीं करेगा और बाप बेटे पर नहीं करेगा, ये एक इतिहास में तारीख दर्ज हो गई। मुगलों में ये होता था लेकिन हिंदू कल्चर में हिंदू संस्कृति में नहीं होता था। और आप कर क्या रहे थे? आप कर रहे थे लड़ाई मुलायम सिंह ने परिवारवाद के अलावा और एक सैफईवाद के अलावा कोई सोशल लाइन नहीं दी है, हालांकि वो इसको डिजर्व करते हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा छोड़ा नहीं जिसको उन्होंने वायदा निभाया हो, तो उनके साथ ये होना था, कोई अनहोनी नहीं हुई। जब आप पूरी जिंदगी ये सब करते तो कहीं तो फंसते हो, और ऐसे फंसोगे फिर उम्मीद नहीं थी। तो अब समाजवादी पार्टी का ये हाल हो गया कि समाजवादी पार्टी पप्पू का ढाबा बन गई जी। जैसे नेशनल हाईवे पर जब बनता है नया तो ढाबे खुलते हैं जी, ये साहब पप्पू का ढाबा है जी। फिर वो एक महीने बाद एक और ढाबा खुला, पप्पू का असली ढाबा ये है। फिर एक महीने बाद और खुला, ये पप्पू का असली ढाबा 100 साल पुराना बुजुर्गों का। पप्पू का ढाबा बन गई समाजवादी पार्टी। साइकिल का एक पहिया कहीं गिरा, दूसरा कहीं गिरा, घंटी भैया लेके भाग गया, कैरियल चाचा ले गए, पता नहीं कंफ्यूज हो गया। और इससे जो वो मुस्लिम वोट का दम भरते थे वो भी कंफ्यूज हो गया। हालांकि कांग्रेस और मुलायम सिंह का जो पैक्ट है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मुसलमान का वोट का डिवीजन हो गया जी। मुलायम सिंह के पास भी रहेगा, मायावती के पास भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बड़े स्तर पर टिकट को ज्यादा मुस्लिम्स को क्लेम करे। तो पॉलिटिकल सिचुएशन ये हुई कि हंग असेंबली की सिचुएशन बनेगी कि सब दल हार रहे हैं, जीत कोई नहीं रहा। ऐसे में निर्दलीय लोग फैसला करेंगे, आगे की सरकार में बहुत बड़ा फैसला होगा। हमारे लोगों ने इसीलिए तय किया कि हम लोग सब निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरा, बीजेपी ने एक बहुत खतरनाक इश्यू छेड़ दिया, जैसा बिहार में आरक्षण की बात करी थी जी। फिर कर दी, हालांकि बीजेपी का इंटेंशन उसमें यह था कि हमारा जो अपर क्लास है वो पोलराइज हो जाएगा। अपर क्लास ऐसे पोलराइज नहीं होता, बल्कि ब्राह्मण मैंने सुना है इस वक्त बीजेपी से नाराज है, वो कहीं और जा सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन में कांग्रेस में भी जा सकते हैं, इनके लिए तो बड़ा झटका हो जाएगा।
और जहां तक यहां का ताल्लुक है, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा, 2007 में भी मैं इंडिपेंडेंट था, मेरे सामने ये जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं यही लड़ रहे थे, इन्हीं को मैंने 20,000 वोट से हराया था। तो दोनों चीजें एस्टेब्लिश है, मैं हरा सकता हूँ, इंडिपेंडेंट हरा सकता हूँ, और इनको इस बार उन्होंने बहुत धार्मिक काम किए हैं, इस बार तो उनका बड़ा विरोध है, तो और ज्यादा बुरी तरह से हारेंगे। और जिन लोगों ने, एक बात बताई, सैफई की बीमारी यहाँ आई है, जैसे सैफई का परिवार वाला, यहाँ समाजवादी पार्टी का MLA है, वो चाहते हैं भाई मेरा बगल की सीट से हो जाए, बेटे को भी कुछ हो जाए, बीवी को भी कुछ हो जाए, बेटे के भाई के बेटे को कुछ हो जाए, तो क्या कहाँ एंड जाके रुकी? आप तो बस वो जो बच्चा पेट में होने वाला हो उसके लिए कुछ सोच रहे हो, तो अलग बात। ये कभी सियासत माफ नहीं करती है। आपको सर यूपी में जी ऐसे आप पहले नेता है जो मुलायम सिंह के आप धर्म विरोधी रहते हैं, उनका कोई भी विरोध करने वाला नहीं है, आपको पूरे यूपी में गिना जाता है कि मंत्री जी है वो मुलायम सिंह का धुर विरोध करते हैं, आगे ऐसा क्यों करते हैं सर? नहीं, ऐसा सार्वजनिक मंचों से आप मुलायम सिंह की खिल्ली उड़ा देते हैं, ऐसा तो मत करो। ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है, ना वो मेरी बकरी कोई खोल ले गए, ना मैं उनकी गाय खोल ले गया, उनकी जो पॉलिसीज हैं, आप बताओ एक नेता अपने घर में 63 लीडर्स बना देगा, तो आप मोटे तौर पर समझो कि आप 60 यादवों का हक मार दिया, ठीक, और एक एक गांव में कहीं पॉलिटिक्स होती है। सैफई की टोटल आबादी 1260 लोगों की है, 4,000 करोड़ रुपया एक एक टर्म में लगा, उसके बाहर सोचना चाहिए था, इटावा के लिए कुछ करके दिखाते, मैनपुरी सीट के लिए, और ये यहाँ मेजोरिटी लोग उनको वोट करते हैं, उनके लिए कुछ करते, कुछ नहीं किया। एक कारखाना मुलायम सिंह के नाम नहीं, बहुत ज्यादा कह रहे थे हमने सिपाही भर्ती करी थी, कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मुलायम। फिर उन्होंने यादवों में 2 टुकड़े किए, सब जानते हैं, और उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। इनमें से एक यही एटीट्यूड है, हम लोग पॉलिसीज के खिलाफ। मुलायम सिंह के आप ताज्जुब करेंगे, यही कॉलेज में पढ़े शिकावाद में मुलायम सिंह जी, यहाँ इसी यहीं के रहने वाले हैं टोली के, इस यही कॉलेज में, हालांकि हम लोगों के बाप दादाओं का बना, 100 साल जब मनारा था चीफ मिनिस्टर आए, यहाँ चीफ मिनिस्टर को 1 रुपया नहीं देगा, टोटल टर्म में सिर्फ 20 लाख रुपया दिया। वही मुलायम सिंह ने अपने घर पर एक कॉलेज खोला सामने, चरण सिंह कॉलेज, उसको 100 करोड़ रुपया दे दी, मैंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट करी, एक्सेप्ट हुई, अब 35 करोड़ पर CBI इंक्वायरी चल रही। आप तमाशा समझ लें, कुछ भी कर दे, और ये हाईवे चल रहा है, इस पर अखिलेश ने 9,000 करोड़ की रिश्वत ली, मेट्रो में ली है, ये छवि अभी स्वच्छ, सब ड्रामा है, संपत्ति का झगड़ा है, पार्टी पर 1,250 करोड़ रुपया है उसका झगड़ा है, और आप कहाँ की स्वच्छ छवि की बात करते हैं? ये ऑफिस में तो ताले तोड़ के घुसे, जिले जिले में तो ताले तोड़े, कहाँ है? तो ये चश्मा जो है, क्या नाम है उनका, रामगोपाल, 1,800 करोड़ रुपया खाए बैठा यादव, सब फॉरेन में अकाउंट है, वो भी आगे CBI। पॉलिसीज पे डिफरेंस है, हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत थोड़ी कुछ है। व्यक्तिगत सर, सिरसागंज की क्षेत्र को आप क्या मैसेज देंगे? आपका बिल्कुल सिरसागंज के क्षेत्र में पहुंचेगा जनजन परिवार में, इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि मैं जीतता हूँ फिलहाल तो उनके लिए क्या? मैं और यहाँ रह के करूंगा, आप CM होते सर, जनता जो कहती है, लेकिन एक सबसे बड़ी दुख है जनता को, वो ये आप भी ये कहते हैं जनता के मंत्री जी हमारे चले जाए। ऐसा है, मैंने जो बड़ा मुद्दा लड़ा था, मैं मानता हूँ जो बड़ा मुद्दा लड़ा था आरक्षण का, उसमें यादवों का जाटवों का अधिकार काटकर 5% to 7% कर दिया गया था। मैं तो अगर BJP में रहता, मेरे बच्चों को तो थोड़ी आरक्षण पे नौकरी चाहिए थी, अगर मैं BJP में रहता तो मैं तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता, मैं सारी टिकटें बांट रहा। बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं, मैंने समाज के लिए लड़ाई। मंत्री पद कमा दिया सर, कुछ नहीं होता मंत्री पद, आपकी इज्जत होती है। अभी 1.5 साल से प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले और ये BJP वाले, अब उसी आरक्षण की वजह से जाटव भी मेरे साथ है, यादव भयंकर रूप से साथ है, तो आप पता करना, हो सकता है एक आध दो लोगों की जमानत जब्त हो, तो आप जब बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं तो आप 10 दिन में चुनाव जीतते हैं जी। और जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते तो 1.5 साल में प्रचार करते, ये तो 1.5 साल कर, मुझे तो 10 दिन शुरू, मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो पार्लियामेंट लड़ना चाहता था, फिर मेरे लोगों ने बहुत जिद करी, तो मुझे, मैंने कहा भाई टिकट पे नहीं लड़ूंगा, बोले मत लड़ो, आप तो पहले भी इंडिपेंडेंट जीत गए थे, अब फिर जीत जाएंगे, यही कैंडिडेट थे, तब 20 से हराया था, हो सकता है 30 से हराने का मौका मिल जाए। क्षेत्र की जनता सर आपसे बड़ी उम्मीद पाल के बैठती है, उसको आप कुछ वचन देंगे कि मैं जीतता हूँ चुनाव तो ये आपकी
दुख दर्द जो भी है वो आपका मेटूंगा। वचन तो आजकल बाप बेटे को नहीं दे पा रहा है जी, मुलायम सिंह अखिलेश को नहीं दे पा रहा है। मैंने इतने कहा है कि गुंडागर्दी में मिटा दूंगा। गुंडागर्दी जब मिटती है तभी डेवलपमेंट होता है जी, तभी सुख शांति आती है। गुंडे वहां से सिरसागंज से चले, बैंक से पैसा निकाला, आदमी लुट जाता है और पैसा मिलता है गड़सान में जाकर। ये सब समझना चाहिए, ये गुंडागर्दी बंद करनी पड़ेगी तभी डेवलपमेंट। सर, सुमित्रा महाजन पे टुकड़े फेंके सांसद अजय यादव जी ने, आपके जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं विधायक जी, वो खुल के लाइव चैनल पे पक्ष में आए थे कि यह संस्कृति ठीक है, लेकिन आप भी उसका संस्कृति को ठीक मानते हैं? आप देखिए, ऐसा है, वो जो हमारा एमपी है उसको बेचारे को न तो बोलना आता था जी, ना वो उसका कोई चेहरा रिप्रेजेंटेशन। वहां तो रामगोपाल को लोग एमपी समझते, वो तो पीछे से बेचारा कार्टून जैसा खड़ा हो जाता है। वो सवाल जवाब तो कुछ कर नहीं पाया, आज तक कागज फेंक पाया पूरी जिंदगी में बेचारा, अभी टर्म खत्म हो जाएगा जी। उसको उसको समझ नहीं है बेचारे को, वो तो क्योंकि कोई यादव कैंडिडेट नहीं था तो लोगों ने बना दिया जी। अगली बार देखिए क्या होता है। नहीं, आप अपनी टक्कर विधानसभा में किसके सामने मान रहे हैं सर? मुझे तो अभी तो कोई नहीं लग रहा, और मेरी बदनसीबी है कि इतने छोटे छोटे प्रत्याशियों से मेरा चुनाव होगा जी। आप जीतते हो, बीजेपी की सरकार बनती है, तो आप उन राजनाथ सिंह के पास दोबारा जाएंगे जिनको आपने छोड़ा था? देखिए, बच्चा 9 महीने में होता है पैदा, अभी तो टाइम तो होने दो, परिस्थितियां तो देखने दो, क्या उसका जवाब अभी कैसे दे दो, क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताए। क्या निर्दलीय विधायक होंगे आप नेता होंगे उसमें? मुझे लगता तो है, इतनी कैपेसिटी तो है हम लोगों में कि हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, एक अलग ग्रुप फॉर्म करें जी। और अब प्रेशर ज्यादा हो गया, वो सब लोग चाहते हैं। ऐसा है, अपने लोगों का भला आप सरकार में रह के कर सकते हैं, हाँ आपके दामन पर दाग ना हो तो लोग उम्मीद भी करते हैं आपसे कर सकते हैं जी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, पूरा जिला आपकी इज्जत करता है सर, आपको बड़ा मानता है, पूरा शहर मानता है, पूरा जिला मानता है, लेकिन समस्या वही है कि आप पे टाइम नहीं है, नहीं, नहीं, ये सबसे बड़ी जो समस्या उस बारे में आप साफ करें। ऐसा है, पिछले 68 साल से जब से चुनाव हो रहे हैं, कोई भी आदमी इस डिस्ट्रिक्ट का, विशेष तौर से यादव बाहुल्य जिले जी, अशोक यादव को छोड़ के कोई यादव 68 साल में मिनिस्टर नहीं बना है जी। 68 साल, ठीक बात। इसका मतलब हम एमएलए एमपी तो बनाते हैं, हम लीडर नहीं पैदा करते। इसलिए अब आप एक बार हराओगे, एक बार जिताओगे, मुलायम सिंह यहाँ पैदा होते तो जहर खा लेते, राम नरेश को हमने नहीं बख्शा तो अशोक यादव को क्या बख्शे। इसलिए क्रेडिबिलिटी दोनों साइड से होती, हमने लीडर पैदा नहीं किए, हमने एमएलए पैदा किए, और एमएलए पैदा करते हो जब आप, तो वो किसी को भी कुछ, सवाल यह है, ये फोन है आपके हाथ में, आप कलकत्ता रहो या मुंबई, फोन से तो आप समस्या क्या करते हो? मेरी, आप जैसे आए यहाँ, आपने कहा जी वो एसपी को फोन कर, तो आप फोन ही तो करते हो, फोन तो हम लखनऊ से भी कर देंगे, फोन तो दिल्ली से भी कर देंगे, वो मिजाज बना रखा है। अब ऐसी कोई बात नहीं, वैसे लड़का मेरा छोटा है, अमेरिका से पढ़कर आया, अभी वो 3-4 महीने से यहाँ है, अब यहाँ रहेगा, वो थोड़ी सी एब्सेंस, थोड़े से सवाल कम करे, और 2018 में जनवरी 2018 तक हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे। ये परिस्थिति, उस पार्टी के लिए सर बहुत लोगों की यहाँ से, जब आप पार्टी बनाएंगे और आपको बधाई है, चुनावों की भी पार्टी भी आप बना उसकी भी बधाई है। मेरे साथ थे पूर्व मंत्री अशोक यादव जी, विभाग उन्होंने राय रखी, विभाग उन्होंने टिप्पणी रखी, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि वो विधायक बने, मंत्री भी बने और अपने जिले का विकास कर सकें। यूपी टीम के साथ सुखेंद्र यादव, दीपक गुप्ता, हरिओम शर्मा, धन्यवाद। थैंक यू, बड़े दिनों बाद सर आपके। हाँ।